अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम हमज नाउद है। दोस्तों शायद आप भी मेरी तरह YouTube पर ड्रामे देखते हो, क्योंकि समटाइम हमारे पास मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टीवी देख के या टीवी 9 बजे 8 बजे के ड्रामा देख सकूं। तो मैं समटाइम ऐसा होता है कि मैं वो ड्रामा जिस वक्त मैं फारिग होता हूँ YouTube पर सर्च करा के उस चैनल के ऊपर जिसका वो ड्रामा होता है उसे मैं देख लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया है कि अभी रिसेंटली जो हम टीवी का ड्रामे जिसे मैं देखता था लाइक करता था वो चैनल जो है यूट्यूब का बंद हो गया है। वो बंद होने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिले थे जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। चैनल आप अभी भी सर्च करा सकते हैं लेकिन आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, आप उसकी कोई वीडियो देख सकते हैं। हम टीवी के 2 मिलियन से ज्यादा मींस के 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर था। ये पाकिस्तान में दूसरा नंबर का चैनल था जिसके पास इतने ज्यादा सब्सक्राइबर थे। तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से ये यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया। अब यह पीछे वजह नहीं मालूम कि इन्होंने वाकई कोई क्लिप या वीडियोज अपलोड करी थी जिसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया, या फिर जैसे समटाइम ऐसा होता है कि आपको जब भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है अगर आपके बैकग्राउंड के अंदर कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो, कोई मूवी का क्लिप चल रहा हो, इवन कि अगर आप मोबाइल पे भी कोई वॉलपेपर या स्क्रीन कोई दिखा रहे हो, कोई वीडियो क्लिप आ गया, कोई म्यूज़िक आपको मोबाइल पे इवन के रिंगटोन भी आ गया, म्यूज़िक चल पड़ा और आपके वीडियो में आ गया, तो चांसेस है आपको उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो हो सकता है कि हम टीवी के साथ इस तरह कुछ आया हो, किसी ड्रामे में उन्होंने कोई क्लिप यूज़ करा हो, कोई ऑडियो ऐसी यूज़ करी हो सकता है कोई क्लिप या वीडियो ऐसी अपलोड करी हो जिसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ हो जिसकी वजह से उनको कॉपीराइट स्ट्राइक आया और यूट्यूब का मजबूरन बंद करना पड़ा। तो हमारी हमदर्दी हम टीवी के साथ है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ साथ साथ कैसे आप सर्च करा के हम टीवी को देख सकते हैं और आपके सामने वो बिल्कुल सस्पेंड है। तो दोस्तों ये थी वीडियो हम टीवी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल सस्पेंड हो चुका है। उम्मीद है कि ये चैनल जो है दोबारा रीइंस्टेट हो जाए, दोबारा आ जाए। चांसेस कम है, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर किसी ने जिसने कॉपीराइट के जो स्ट्राइक भेजे अगर वो वापस ले ले तो शायद उम्मीद है कि हम टीवी दोबारा रीइंस्टेट हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्रेजी न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।